थोड़ा सा उस साइड खड़े जाइए तो। हाँ खड़े, कुएं के पास खड़े जाइए। आज का रेस्क्यू कॉल हमें आजमगढ़ जिले के शाहपुर से आया है और ये रेस्क्यू हमें कौन सा है, तेजबर बाबा। और ये रेस्क्यू हमें तेजबर बाबा के स्थान से आया है, मतलब एक मंदिर है जहाँ पर कुएं के अंदर कोई सियार गिरा हुआ है ना। यहाँ पर कुएं के अंदर एक सियार गिरा हुआ है जिसे रेस्क्यू करने के लिए हम लोग बिना वक्त गवाए मौके पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए जल्दी से सियार को रेस्क्यू करते हैं। जब तक हम लोग उसे रेस्क्यू करते हैं, आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चाचा जी कितने कब दिखा था ये? चार दिन नहीं, धीरे धीरे उसको 10 दिन हो गया है। अच्छा, 10 दिन से आपको दिखा था? उसको पूरी उड़ी देते थे, खिलाते थे, उसके बाद रोटी ले आके देते, झिल्ली में पानी फेंकते वहाँ पीने के लिए उसको। अच्छा, झिल्ली में आप फेंकते होंगे तो पानी गिर जाए, थोड़ा सा बांध था, हल्का हल्का गिरता था, तो बोले चाटने वाला जानवर पानी को, तो जी हाँ। पीने के वाला हो जाए तो इसलिए हम हल्का दे चाटेगा पानी को। बिल्कुल, बहुत सही दिमाग लगाया चाचा की, मतलब कि इनको पता था कि मतलब ये लोग, ये जानवर जो होते हैं जिसके जो चाट के पानी पीते, जो मांस खाने वाला प्लस जिसके दो बड़े दांत हो आगे, वो चाट के पानी पीते हैं। बहुत सही किया। चलिए चल के रेस्क्यू करते हैं, फिर उसके बाद जो उसको बाहर निकालते कैसे भी करके, अभी देखते हैं नीचे जाना पड़ता है या ऊपर से होता है। चलिए चलते हैं पहले। रोटी वगैरह डाले हैं हम, जिंदा रहे। और यहाँ पर हमें जो सियार है वो दिखाई दे रहा है, और कई दिनों से गिरे होने के कारण ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ये थका हुआ भी है। ये लोग यहाँ पर इसे खाने के लिए रोटी और पानी तो दे दिया करते थे, लेकिन ज्यादातर इसने खाया नहीं है। स्टील वाली बल्टिया पानी ले तो उसे देना है ना पानी? नहीं, पानी देना नहीं, इसको थोड़ा सा हम लोग बाहर करेंगे, दौड़ाएंगे तो उसी हिसाब से फिर करेंगे। पहले देखता हूँ कि ऐसे जैसे हम लोग खरगोश को निकाले थे ना, रस्सी डाल के ऐसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हाँ इसको बंद करवा दीजिए निकालने। गंगा लुप्त हो गई है। अरे छोड़ा गंगा मंगल पूरा लेवलिंग हो जाएगा तो कोई जानवर गिरेगा तो निकल तो जाएगा ना। वो तो बाबूजी सोचा ना, यहाँ चकिया पानी था, पानी उस समय था कि नहीं? पानी था तभी तो देखा ना वो। अच्छा, मतलब अगर किया था पूरा दबा होता तो सोया है आज, हमारे पिताजी यहाँ सोते थे उस बंदे वहाँ। अच्छा, वो डेली दारू पीता था, डेली और डेली बमकता था, चिल्लाते थे करे साधु चाचा हम इंद्राम गिर गए, तब ये लग रहा है पिट बाबा ने कहा का साहब इंद्राम गिर गया, लाइट लग दे कहते वहां बैठे का ठीक है तब करे मार मारा था मां। अरे जल्दी हमें निकाल देते सारा काट के तो गली में ना खाली मुड़िया लोग पनिया में से बोले है तो ताके है करे पनिया में से इसे मार दे, अगर ऊपर तक काट दे, मतलब काटा नहीं था ना साहब ना। अरे वो सांप लोग मार भी डाले, कहले जल्दी जा तुम्हारा सरवा दे दादावा से मकर कुछ की जाग निकल गया, दादा पकड़ ला 3-4 दिन खिचल बाहर आ जाए को मुड़ी पर तो देव थाने 1 रुपया की दवाई हो के नहीं काटा था क्या, मतलब आप निशान लगा था क्या? निशान था निशान नहीं था ना तब क्या, जब निशान नहीं था तो फिर पानी किलो परेशान रहा। हाँ, काटा नहीं था उसको, उसको फाल्स वाइट किया रहा होगा उसके ऊपर। नहीं, छोटा सांप होगा तो निकल जाएगा, इसी से ढकने का ट्राई करता है चाचा जी, इसे उसे ढक देगा, इसी से ढक दे रहा है। हाँ तो वही, अभी पानी गिराएंगे उसको तब भागेगा, तब ढक लीजिएगा तब पानी गिराएगा। अरे तो लेकिन वो जाए ऐसे कहाँ से ढकेगा, देखिए कहाँ एकदम सटा हुआ है ना, पहले ऐसे बड़ा है क्या, बहुत जबरदस्त बढ़िया आराम से खोद को हला दे क्या पूरा, लेते आइए तो फिर हम सीट बेल्ट फिर क्या लगाएं, ऐसे ही हो जाएगा तो फिर अंदर कोई फायदा ना।
नहीं हिल रहा है, उसका टेंशन मत लीजिए। पागल है क्या? पागल ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, और ऐसे भी पागल नहीं है, देख रहे कितना शांत बैठा है। छुपने का ट्राई कर रहे बेचारे, कहाँ जाते हैं कैसे जाते हैं, कहीं भी लगा दीजिए। नहीं हो जाना चाहिए, नहीं नहीं हो जाना चाहिए, नहीं थोड़ा सा नीचे से ब्रेकअप हो जाएगा ना, थोड़ा बांध लाए पहले। अच्छा रुके, है ना, ये वाली रस्सी लगा देते, नहीं छोड़ देते, हाथ में फोगे जब बोलेंगे तब जाने दी, कोई दिक्कत नहीं, उतरने को तो आराम से उतरे, कोई पंगा नहीं है। हमने बहुत प्रयास किया कि ये नेट में आ जाए, लेकिन ये एक तरफ जा करके बैठ जा रहा है, ऐसे में नीचे उतरने के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं था। हमने इसके ऊपर पानी भी फेंक करके देखा, लेकिन फिर भी ये मूवमेंट नहीं कर रहा था। आराम से रस्सी ऊपर, आप नेट फ्री छोड़ दो, बहुत डरा डरा हुआ खुद ही है, देख रहे कैसे छुप रहा है बेचारा, और खुद ही रहा, मैं काटने की मन में एकदम ना है। देख रहा है उसको सामने दिखाई दे रहा है ना, कुछ अलग सा जाल टाइप लगा हुआ, समझ रहा है उसे भी सेंस है, ऐसे नहीं होगा। नहीं उसको बिल्कुल नहीं बताया ना कि मुझे बचाया जा रहा है, नहीं जाता तो जाता, प्लस उसे पता नहीं ना कि मुझे बचाया जा रहा है। बस हो गया, अब उठा लेंगे तो भी खबर हो जाएगा, आराम से उठा लीजिए, उठाइए आराम से, आराम से, आराम से उठा लीजिए, रुक गया पाजी आज, नहीं कोई दिक्कत नहीं हो गया, देखना दे, नहीं 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 निकलेगा, आप टेंशन मत लीजिए, उसको उसको घुमा के दीवार में टच करवा दो ना। अरे बस 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 आने दीजिए, निकाल दो बाहर, खोल दीजिए, थोड़ा सा उस साइड खड़े जाइए, तो हाँ खड़े कुएं के पास खड़े आप लोग, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इसकी जान बचाए हैं, समझ जाइए। चलिए आगे से ऐसे करते हैं, कोई भी समस्या हो, मतलब कोई भी जानवर गिरा हो, चाहे कहीं भी हो, बड़ा से बड़ा अगर कोई गिरा तो हम लोगों को कॉल करिए, हम लोग आएंगे, हम लोगों की निशुल्क सेवा है, कुछ भी गिरा है भाई, वो भी तो जीव है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्रमोट करिए, मतलब शेयर करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाइए, क्योंकि लोग ऐसे ही थोड़ा सा अवेयर होंगे, जानेंगे हम जीव को बचाना है, कोई भी जीव हो, चाहे जानवर, मतलब चाहे जो, चाहे सांप हो गया आपका, जैसे अभी सियार हो गया, कोई भी नीलगाय हो गया, कुछ भी जानवर हो, आप लोग उसको बचाने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।